हमारे भाई लोग जो धम्म प्रचारक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, जो आपने अपनी कथा रोक के मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे गुरुओं महापुरुषों को पूज्य संत बाबा साहब के चरणों में अपने सर को नमन करते हुए आपके बीच में कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग, हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे एक भाई को कुछ अराजक तत्वों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। ये थाना बिलकराम का मामला था। जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली, हम लोग तत्काल वहां पे पहुंचे और पीड़ित परिवार की आवाज उठाने का काम किया। मैंने साफ तौर पे बोल दिया था कि अगर परिवार के साथ में अभद्रता हुई या पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो प्रशासन, शासन प्रशासन और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी करेगी। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। और प्रशासन ने भी पूर्ण सहयोग दिया। अभी तक तीन नामजद व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को सूचना मिली थी कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि पिंजड़े के अंदर कुत्ते रखे जाते हैं, शेर को कभी रोक नहीं पाता है कोई। शेरों को पिंजड़े के अंदर रोकने की औकात नहीं है। अभी जो इस शेर को ये लोग पिंजड़े में कैद कर दे, और जो बनावटी शेर होते हैं जिनकी मानसिकता कुत्ते की हो जाती है, सिर्फ उन्हीं को दबाया जा सकता है। और मुझ पे 17/5/2024 की डेट में मुकदमे लगाए गए हैं, लेकिन जिस दिन मैं गया था वहां पे उसी दिन मैंने शासन प्रशासन को चेतावनी दे दी थी कि हम ये जो नीला गमछा डाल के निकलते हैं वो अपना कफन समझते हैं, हमें मुकदमे और जेल की धमकी मत दीजिएगा। जिस दिन भी आप झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजोगे और जिस दिन मैं बाहर आऊंगा, ऊर्जा कम नहीं होगी, चार गुनी बढ़ जाएगी। भरोसा दिलाता हूं कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, यह भीम आर्मी पीछे कदम हटाने वाली नहीं है। और अगर कोई सामंतवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाला व्यक्ति अगर सोच रहा हो कि जिला अध्यक्ष पर मुकदमा हो गया है तो वो अब डर जाएंगे, तो यह याद रखिएगा कि हमारे बाप दादा कभी नहीं डरे, तो हम तो उन्हीं की औलाद है। और मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, सिर्फ हमारे हाथों को जो रोक के रखे हैं वो भारतीय संविधान है और बाबा साहब का सम्मान करते हैं। जिस दिन ये जो लोग बोलते हैं संविधान खत्म कर देंगे, तो उन लोगों को खुला चैलेंज है, जिस दिन भी तुमने संविधान खत्म करने की सोची या खत्म किया,
तो तुम्हें कोरेगांव याद दिला देंगे, ये याद रखिएगा।